यहाँ पर मैंने लिया है एक कप सफेद तिल, इसको हम पैन में डालेंगे। गैस को हमें रखना है एकदम लो फ्लेम पर और लगातार चलाते हुए हमें तिल को भून लेना है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारे तिल को भूनने में, और जब ये भून जाएंगे ना तो ये जो तिल के बीज हैं ये फूल जाते हैं। तिल जो है उसमें भारी मात्रा में कैल्शियम और फाइबर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में तिल ज्यादा इस्तेमाल होता है, तिल से ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं और इसका सेवन भी सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है। तो अभी 3 से 4 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर तिल को लगातार चलाते हुए भून लिया है और इसके जो बीज है वो फूल गए हैं, लेकिन हमने इसका कलर चेंज नहीं होने दिया है। तो अभी हम गैस को ऑफ करेंगे और ये जो तिल है इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। तो जो तिल हमने भूने थे वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो अभी हम इनको एक मिक्सर जार में डाल देंगे। तिल जब बिल्कुल ठंडे हो जाए तभी आप उनको ग्राइंड करें, वरना उनसे ऑयल रिलीज होने लगेगा। तो अभी हम तिल को पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को बीच बीच में रोकते हुए ग्राइंड करेंगे, जिससे कि वो दरदरे रहेंगे। तो तिल को हमने ग्राइंड कर लिया है और हल्का सा दरदरा रखा है। तो कलाकंद के लिए ये मैंने 150 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है, मैंने मार्केट वाला पनीर लिया है, आप घर पे भी पनीर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एकदम बारीक कद्दूकस कर लेंगे इसको। जितना बारीक आप पनीर को कद्दूकस करेंगे उतना ही ईजिली ये बन जाएगा। तो अभी देखिए पनीर को हमने कितना बढ़िया एकदम बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब एक नॉन स्टिक पैन लेना है, उसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर और साथ ही में जाएगा इसमें आधा कप दूध। अब मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से। गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान आपको और रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठले नहीं पड़ने चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा हमको चाहिए मिल्क पाउडर और दूध का। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मिल्क पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है और एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। एक एक करके पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो अभी हमें पनीर को इसमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। पनीर को मिक्स करने के बाद जो तिल हमने ग्राइंड किए थे वो पूरे डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे हम साथ ही में फ्लेवर के लिए। अब तिल को भी मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। ये जो मिठाई है ना बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, और एक बार आप इसको बना लेंगे तो यकीन मानिए बार बार आप इस मिठाई को जरूर बनाएंगे। तो तिल और इलायची पाउडर भी मिक्स हो चुके हैं इसमें बढ़िया से। अब इस मिक्सचर को हमें पकाना है, तो गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना ये काफी ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए इसको लगातार चलाना बहुत ही जरूरी है, वरना जो ये मिक्सचर है ये तले में लगकर जल सकता है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पैन के साइड छोड़ना शुरू कर देगा। अभी इस मिक्सचर को हमने थोड़ी देर के लिए पकाया है और इस स्टेज पर अभी हम इसमें एक छोटी चम्मच घी डाल देंगे। घी से कलाकंद में बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और पैन के साइड्स छोड़ने शुरू कर दिए हैं इसने। तो अभी देखिए इस मिक्सचर ने पैन के साइड्स छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें 1/3 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी घुलने के बाद आपको ये मिक्सचर वापस से थोड़ा सा पतला लगने लगेगा, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ती है, तो जो मिठाई का मिक्सचर है ना वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि चीनी घुलने के बाद वापस से ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा गीला लगने लगा है, थोड़ा सा पतला लगने लगा है। तो अभी हम इसे लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे और पकाएंगे, जिससे कि चीनी से जो पानी छूटा है ना वो पूरा इवेपोरेट हो जाए। तो अभी ये जो मिक्सचर है वापस से थिक हो गया है और इसने पैन के साइड्स छोड़ दिए हैं, लेकिन जो मिक्सचर है ना वो जमने की कंसिस्टेंसी पे आया है या नहीं ये सही से चेक करना बहुत जरूरी है, तभी जो बर्फी है ना हमारी जो कलाकंद है वो अच्छे से बन करके तैयार होगा, बढ़िया से सेट होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर एक कटोरी में ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ठंडा होने देते हैं, और ये जो मिक्सचर है ना
इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और इस स्टेज पर हमें गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देना है। अभी देखिए ये जो मिक्सर है ना, इससे इस तरीके से गोली बन रही है, मतलब कि जो मिक्सर है ये जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो इसको भी इसी में डाल करके हम मिक्स कर देते हैं और अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे। कलाकंद को सेट करने के लिए मैंने ये एक केक टिन लिया है, जिसको कि मैंने अच्छे से प्लीज करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। इसमें हम पूरे कलाकंद के मिक्सर को डाल देंगे। अब इस कलाकंद के मिक्सर को हमें टिन में अच्छे से स्प्रेड कर देना है और बढ़िया से लेवल कर देना है, एक जैसा कर देना है, जिससे कि जो हमारा कलाकंद का शेप है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही बढ़िया पीसेस कट करके निकलेंगे। तो अभी हमने कलाकंद के मिक्सर को अच्छे से स्प्रेड करके बढ़िया से लेवल कर दिया है इसमें। लेकिन अभी ये जो मिक्सर है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी हमें इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है और अच्छे से सेट होने देना है। तो अभी इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि जो हमारा कलाकंद है ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो अभी हमारा जो कलाकंद है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये देखिए बढ़िया से सेट भी हो चुका है। तो अभी हमें इसको अनमोल्ड करना है। तो क्या करेंगे कि एक प्लेट ले लेनी है और टिन को उल्टा करके हम 3 से 4 बार टैप करेंगे, थोड़ा जोर जोर से टैप करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया है टिन में से। बटर पेपर को हटा लेते हैं और देखिए कितना बढ़िया ये सेट हो गया है। ये मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते लिए हैं, इससे हम अपने कलाकंद को गार्निश कर लेंगे, डेकोरेट करेंगे। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से या फिर सिंपली चांदी के वर्क से भी इस कलाकंद को डेकोरेट कर सकते हैं। हल्के हाथ से हम इनको प्रेस करेंगे, जिससे कि जो पिस्ते हैं ना ये कलाकंद में अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपने पसंद के किसी भी शेप में कलाकंद को कट कर सकते हैं, अपने पसंद के किसी भी मोल्ड में आप कलाकंद को सेट कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो घर में हमारी थाली वगैरह होती है ना उसमें भी आप कलाकंद को सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे तिल कलाकंद के पीसेस निकले हैं, यानी कि ये बर्फी जो हमने बनाई है इसके पीसेस कितने बढ़िया निकले हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग है और बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस टेस्टी और बहुत ही यूनिक तिल कलाकंद की रेसिपी को। तिल मावा पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 350 ग्राम सफेद तिल लिए हैं। ये कैल्शियम का भंडार होते हैं और ढेर सारा फाइबर होता है इनमें, और सर्दियों में ये बहुत ही ज्यादा फायदा भी करते हैं, क्योंकि जो इनकी तासीर होती है वो गर्म होती है। तो अभी हम गैस को ऑन करके एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे और कढ़ाई में तिल को डाल करके लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो इनको लगातार चलाते रहें। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं इनको भुनने में और ये बहुत ही बढ़िया फूले फूले से दिखने लगते हैं जब ये भुन जाते हैं, और जो इनका कलर है वो बिल्कुल हल्का सा चेंज हो जाता है। तो अभी देखिए तिल का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, ये अच्छे से भुन गए हैं और बढ़िया फूले फूले से दिखने लगे हैं। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको एक थाली में निकाल करके थाली में ही थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तभी आप इनको ग्राइंड करें। गरम गरम में अगर आप इनको ग्राइंड कर देंगे तो इनसे ऑयल रिलीज होने लगेगा और फिर इनका पेस्ट बन जाएगा। तो अभी जो तिल है वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो इसमें से हम 50 ग्राम के लगभग तिल अलग बोल में निकाल करके रख लेंगे। इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बाकी के बचे हुए तिल हैं, इनको हम मिक्सर जार में डाल करके दरदरा पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे। तो जो तिल है उनको आप पल्स मोड पर ग्राइंड करें, मिक्सर को बीच बीच में रोकते हुए ग्राइंड करें, जिससे कि उनका पेस्ट नहीं बनेगा और वो बढ़िया दरदरे पीस जाएंगे। तो अभी देखिए तिल को हमने दरदरा पीस लिया है, इनको अभी हम अलग रख देंगे। ये है मेरे पास घर का बना हुआ 200 ग्राम मावा। इसको हम कढ़ाई में डाल करके मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। मावा अभी अच्छे से भुन गया है और बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़, जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अभी इसको हम मावे में डाल देंगे और मावे में हमें गुड़ को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी जो मावा है वो काफी गर्म है, तो गुड़ जो है वो गर्म मावे में धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा।
तो अभी आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो गया है और मावा के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने जो गुड़ यूज किया था वो थोड़ा डार्क कलर का था, इसलिए इसका जो कलर है ना वो इस तरीके का आया है, थोड़ा डार्क है, लेकिन जो इससे पेड़े बनेंगे ना वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अभी जो तिल हमने पीस करके रखे थे उनको हम पूरा इसमें डाल देंगे, और जो 50 ग्राम साबुत तिल हमने अलग रख दिए थे उसमें से लगभग 25 से 30 ग्राम तिल हम इसमें डाल देंगे। अब तिल को हमें ये गुड़ मावे वाले मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो पेड़े हैं ना तिल मावा के, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं, और सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ बहुत ही फायदा भी करता है। लेकिन अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है या फिर आप गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप गुड़ की जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल जो है वो गुड़ मावा के मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब ये एक डो जैसा बन गया है इसका। तो इसको हमने एक अलग प्लेट में निकाल लेना है और जो साबुत बचे हुए तिल थे उनको भी हमने एक अलग प्लेट में फैला लिया है। और अभी हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और पहले हम एक छोटा सा लड्डू जैसा बना लेंगे इससे। अभी जो लड्डू है ना इसको हमें पहले साबुत तिल में अच्छे से कोट कर लेना है और फिर वापस से हम इसको हाथ के बीच में थोड़ा सा रोल कर लेंगे, वापस से घुमा लेंगे हाथ के बीच में, तो जो तिल है ना वो इस पर अच्छे से चिपक जाएगा। अब हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे इसको, तो ये देखिए पेड़ा बन करके तैयार हो गया है। पेड़े को डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनसे हम पेड़े को इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया पेड़ा बन करके तैयार हुआ है। इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पेड़े बना करके तैयार करने हैं। केवल 3 चीजों के साथ में बहुत ही बढ़िया ये पेड़े बन जाते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया और यूनिक है। ऐसे पेड़े आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन घर पर आप इनको बस आधे घंटे में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट तिल मावा पेड़ा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए ये कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं कि बस मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और आप इनको 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये है मेरे पास 250 ग्राम सफेद तिल, इनको हम पैन में डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक तिल को भून लेना है। बस 3 से 4 मिनट में ही ये भून जाते हैं, और भून जाने पर ये जो तिल के बीज है ना ये फूल जाते हैं और इनका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाता है। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर होता है और इनकी तासीर भी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में ये ज्यादा फायदा करते हैं। तो अभी देखिए जो तिल है वो भुन गए हैं, इनके जो बीज हैं ये फूल चुके हैं और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इन तिल को हम थाली में निकाल लेंगे। ये है मेरे पास 50 ग्राम काले तिल, तो इनको भी हम पैन में डाल देंगे। गैस को वापस से ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए हमें इनको भी भून लेना है। काले तिल को आप हमेशा साफ करके और धोकर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मिट्टी वगैरह रहती है। जब आप उनको धोएंगे ना तो क्या होगा कि जो साफ साफ तिल है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा और जितनी भी मिट्टी है वो पूरी नीचे बैठ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जो तिल है वो ऊपर से निकाल लेना है और जो मिट्टी नीचे बैठ गई है उसे फेंक देना है, और धुलने के बाद आप तिल को अच्छे से सुखा लें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो जो काले तिल हैं वो भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो अभी हम गैस को ऑफ करके इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़, तो गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। घी से क्या होगा कि जो गुड़ है वो जलेगा नहीं और लड्डू में बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी। अब गैस को ऑन करके हम मीडियम लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए गुड़ को पहले हमें अच्छे से पूरा मेल्ट कर लेना है। तिल के लड्डू बनाने के लिए आपको उतना ही गुड़ लेना है जितना कि आपने तिल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफेद तिल लिए हैं और 50 ग्राम काले तिल लिए हैं, यानी कि दोनों को मिला के 300 ग्राम हो जाता है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ लिया है।
लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 350 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं। अभी देखिए जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो गया है और इसमें हल्के हल्के बुलबुले भी आने लगे हैं। तो अभी हम लगातार चलाते हुए गुड़ को पकाएंगे और गैस को अब हमें कर देना है एकदम लो फ्लेम पर। अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ में झाग आने लगा है, तो बस 2 मिनट के लिए हमें गुड़ को और पकाना है। अगर आपको जो लड्डू है वो कुरकुरे कुरकुरे नहीं चाहिए, आप केवल मार्केट में जैसे मिलते हैं वैसे लड्डू चाहिए, तो आप इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें और उसके बाद गुड़ में तिल को मिला करके लड्डू बना लें। लेकिन मुझे ना तिल के लड्डू जो है वो थोड़े कुरकुरे कुरकुरे पसंद है, इसलिए मैं गुड़ को थोड़ा सा और पका रही हूँ। अभी देखिए जो गुड़ है उसका कलर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और काफी ज्यादा झाग आने लगा है इसमें। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और जो सफेद और काले तिल हमने भुने थे वो इसमें डाल देंगे और फिर जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तिल को गुड़ में बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा आपके लड्डुओं का मिक्सचर। अगर आपको लगे कि मिक्सचर ड्राई हो रहा है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये ड्राई है तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें घी डाल करके मिक्स कर ले, तो जो आपका मिक्सचर है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगा और लड्डू बहुत ही बढ़िया और आसानी से बन जाएंगे। अभी ये जो मिक्सचर है ये काफी ज्यादा गर्म है, तो हाथों को हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे जिससे कि लड्डू बनाते टाइम हमारे हाथ जलेंगे नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से दबाते हुए हमें लड्डू बना लेना है और गरम गरम में ही हमें लड्डू बनाना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में बहुत परेशानी होगी और लड्डू बढ़िया से नहीं बन पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितने आराम से हमारे ये लड्डू बन जा रहे हैं। तो ये हमारा एक लड्डू रेडी हो गया है, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। बीच बीच में इसको इस तरीके से मिक्स भी करते जाएंगे जिससे कि जो मिक्सचर है ना लड्डुओं का, ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। आप हाथ में पानी लगाकर भी लड्डू बना सकते हैं। घी या पानी हाथ में लगाकर लड्डू बनाने से हाथ ज्यादा नहीं जलते हैं और बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो मिक्सचर है वो ठंडा होने लगा है, लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक काम करें कि एकदम लो फ्लेम पर इस मिक्सचर को हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद जब आप लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही इजीली आपके लड्डू बन जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। ये जो तिल के आज हम लड्डू बना रहे हैं ना, ये खाने में बहुत ही बढ़िया और कुरकुरे कुरकुरे लगते हैं। छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग भी इनको बहुत ही आराम से खा सकते हैं। तो ये हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, बहुत ही बढ़िया हमारे तिल के लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह से मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाइए। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम भुनी हुई मूंगफलियाँ और 1 टेबलस्पून घी। मूंगफलियों को मैंने ड्राई रोस्ट करके उनका छिलका निकाल लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में हम गुड़ डालेंगे और साथ ही में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। गैस को मीडियम लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए हमें गुड़ की चाशनी बना करके तैयार करनी है। ध्यान रखें कि आंच ज्यादा तेज ना हो वरना गुड़ जल जाएगा। अभी आप देखिए गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो बस आप लगातार इसको चलाते रहें जिससे कि गुड़ जलेगा नहीं। गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है, तो अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए सही से पकाना है, क्योंकि अगर गुड़ सही से पक जाएगा ना तो हमारी जो चिक्की है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और एकदम मार्केट जैसी बनेगी और दांतों में भी नहीं चिपकेगी, एकदम टॉफी की तरह टूटेगी। अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ में काफी झाग आने लगा है। अभी हम गुड़ को 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और जो इसमें झाग था वो भी काफी कम हो गया है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे, उसके लिए मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है। इसमें गुड़ की चाशनी थोड़ी सी डालेंगे और अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। गैस को अभी एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए जो गुड़ है वो इस तरीके से टूट रहा है, बिल्कुल भी खिंच नहीं रहा है, मतलब कि जो गुड़ है वो अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो भुनी हुई मूंगफलियाँ हैं वो हम गुड़ की चाशनी में डाल देंगे।
जल्दी से मूंगफलियों को फटाफट से गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफलियां गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो ये ग्रीस किए हुए बटर पेपर के ऊपर हम जल्दी से चिक्की के पूरे मिक्सचर को डाल देंगे। बेलन को भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से, इससे हम चिक्की को अच्छे से रोल कर लेंगे। मोटे पतले जैसे पीसेस आपको चाहिए हो चिक्की के, उस हिसाब से आप इसको रोल करें। और ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि ये सही से रोल हो जाए। रोल करने के बाद गरम गरम चिक्की के ऊपर ही हम नाइफ से कट्स लगा देंगे। छोटे बड़े जैसे पीसेस चाहिए हो आप उस तरीके से कट्स लगाएं, जिससे कि जो चिक्की के पीसेस हैं वो एकदम परफेक्ट निकलेंगे। ठंडे होने पर आप इस पर कट्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये सेट होकर हार्ड हो जाएगी। कट्स लगा दिए हैं हमने इस पर, और अब हम चिक्की को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चिक्की बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। हमने जो कट्स लगा दिए थे ना पहले इस पर, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो चिक्की के पीसेस हैं वो एकदम परफेक्ट निकल रहे हैं और बड़ी आसानी से निकल जा रहे हैं। और एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया हमारी चिक्की बनकर के तैयार हुई है। और ये दांतों में भी नहीं चिपकेगी, तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी मूंगफली की चिक्की। और कोई यकीन करेगा इसको देखकर कि इसको हमने घर पर बनाया है? सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप इस चिक्की को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी भी चिक्की इसी तरीके से एकदम परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, तो हम पैन में 1 कप काले तिल डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और तिल को मीडियम लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको बीच बीच में चलाते जरूर रहें, वरना ये तले में लगकर जल जाएंगे। तिल ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम पैन में 2 टेबलस्पून सफेद तिल डालेंगे। इनको भी हम बीच बीच में चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इनका कलर चेंज नहीं होने देंगे। सफेद तिल भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम पैन में 1/4 कप काजू, 2 टेबलस्पून बादाम और 1/4 कप अखरोट डालेंगे। इनको भी हम मीडियम लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो हम गैस को ऑफ करेंगे और इनको भी एक बोल में निकाल लेंगे। तिल और ड्राई फ्रूट्स को अब हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तिल और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें हम ड्राई रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब जो काले तिल हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हैं वो इसमें डालेंगे। वापस से एक बार ग्राइंड करेंगे। तिल को हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और तिल को हल्का दरदरा रखा है। ये हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है, अब हम गुड़ को भी इसमें डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम एक बार वापस से इसको ग्राइंड करेंगे। गुड़ को भी हमने तिल और ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इससे इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए एक लड्डू बन गया है, इसको हम प्लेट में रख लेंगे। वापस से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं। हमारा ये लड्डू भी बन गया है, इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाते जाएंगे। हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। ये जो हमने सफेद तिल ड्राई रोस्ट करके रखे हैं, इनमें हम ये काले तिल के लड्डुओं को कोट करेंगे। एक लड्डू लेंगे और इसको सफेद तिल में कोट करेंगे। पूरा कोट नहीं करना है, केवल आधा ही कोट करेंगे। अब इसको वापस से हाथ के बीच में थोड़ा सा रोल करेंगे, जिससे कि जो ये सफेद तिल है वो इसमें अच्छे से चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। सारे लड्डुओं को इसी तरीके से सफेद तिल में कोट कर लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी काले तिल के झटपट बनने वाले लड्डू तैयार हैं। आप इन लड्डुओं को 15 से 20 दिन तक
रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं।